और आज चीकू क्या हुआ था स्कूल में? ये देखो मसाज करवा रहा है मेरे से अपनी। तो किसी आहा आहा देखो कैसे टेढ़ी आंखों से देख रहा है मुझे। मम्मी दोनों फेंक दो। बाय द वे अभी मम्मी को भी मैं फेल कर देती हूँ बार्गेनिंग करने में। मैं बहुत अच्छी बार्गेनिंग करती हूँ। मैं नहीं करने वाली। फोन कर और मैं सिर्फ गुंजिया खाऊंगी। अच्छा। खाने का काम करूंगी मैं। अभी जूस पीती है बहुत। नजर लगा ले सारी आज कसर निकाल दे। चोट लग गई। ये वाले चावल सबसे बढ़िया लगते हैं एकदम तिनका वाला। हे गाइस वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो वेलकम बैक टू माई अनदर ब्लॉग। सो आज है डे टू मतलब जो वन मंथ का मैंने चैलेंज दिया है। तो डे टू का आज हम आप लोग साथ शेयर करेंगे कि आज पूरे दिन हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले मॉर्निंग में मैं जा रही हूँ लाइक चीकू को स्कूल से लेने के लिए क्योंकि आज बेचारा चीकू आज उसका पेपर है और वो स्कूल गया हुआ है। बट उसको सुबह सुबह मॉर्निंग में कलर्स नहीं मिले थे। बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था उसके। बट बेचारा फिर भी चला गया स्कूल में। तो चलो उसको लेके आते हैं। स्कूल से लेके आने के बाद फिर हम लोग करेंगे अपना ब्रेकफास्ट क्योंकि मैं थोड़ा लेट उठी हूँ क्योंकि रात में लेट सोई थी ब्लॉग एडिट करके। तो इसलिए तो चलो अभी फ्रेशन अप हो जाते हैं फिर उसको स्कूल से लेके आते हैं। से गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग करो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये देखो मसाज करवा रहा है मेरे से अपनी। सो गाइज फाइनली मैं फ्रेशन अप हो गई हूँ और ब्रेकफास्ट आ गया एंड मैं चीकू को भी घर पे ले आई हूँ स्कूल से। तो मैं अपना ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ फिर मैं आपसे मिलती हूँ। बाय बाय। सो गाइज हमारा चीकू भी आ चुका है स्कूल से। और आज चीकू क्या हुआ था स्कूल में? आपके साथ होली खेली थी। तो मैम ने आज इसके साथ होली खेली थी तो वही बता रहा था कि बेचारे ने कल भी होली खेली आज भी होली खेली। मतलब जब होली आने वाली है ना सारे दिनों में इसकी होली 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 चल रही है। तो अभी तो ये देखो इसका हालत आप देख सकते हो। कान में रंग, मुंह पे रंग, बालों में रंग। इसकी मैम ने इसके साथ होली खेली है। हाय कटप्पू। देखो कटप्पा भी आ गया। कटप्पा हेलो करो। हेलो हाय। पुच्छी पुच्छी कर दो। पुच्छी कर दो किसी। आहा आहा। तो उसके बाद गाइज मैं अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी साथ साथ मैं चीकू और कटप्पा तीनों बैठ के हम लोग देख रहे थे स्पाइडरमैन। बिकॉज इन लोगों के होते हुए मुझे और कुछ तो ये देखने देते नहीं है। तो हम लोग इन्जॉय कर रहे थे स्पाइडरमैन और यहाँ पे इनको बहुत अच्छा लगता है स्पाइडरमैन। और साथ ही साथ हम इन्जॉय कर रहे थे व्लॉगिंग भी। मतलब मैंने इसके साथ चलाते चलाते ही अपना व्लॉग भी चालू कर दिया था क्योंकि चीकू जिद कर रहा था व्लॉग देखने की। तो हम लोग यहाँ पे चीकू वाला व्लॉग भी देखने लगे थे जो अपना डे वन का व्लॉग है। तो देख लो आप लोग कि हम अपना भी व्लॉग देखते हैं। ये देखो गाइस इसको देखो कैसे आराम फरमा रहा है। इतना सारा काम पड़ा हुआ है और इसे आराम फरमाने की पड़ी हुई है। मतलब देख रहे हो आप लोग इसे क्या है भाई काम धंधा नहीं है क्या कोई? बस पड़े रहो आराम करते रहो हैं। मम्मी पापा के टुकड़ों पे पलते रहो हैं। कोई काम धंधा नहीं है क्या? अच्छा ऐसे बोल रहे कि हाँ यार तू भी आ जा तू भी लेट जा भाई चल चल कुछ काम कर ले खड़े होके ठीक है ना। आया बड़ा जब देखो सोता ही रहता है सोतुड़ू कहीं का। देखो कैसे टेढ़ी आंखों से देख रहा है मुझे बेशरम। सो गाइज मैंने देखा ऊपर से कि यहाँ पे हमारे नारियल वाले भैया आए हुए हैं। तो हमने सोचा कि चलो नारियल ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 100 रुपये के 3 नारियल लिए थे भैया से एंड बहुत ही बढ़िया है क्योंकि यहाँ पे 50 रुपये एक नारियल देते बट मेरी बार्गेनिंग बहुत अच्छी है। तो इसलिए मैंने 3 नारियल ले लिए भैया से 100 रुपये में डील करवा के फाइनल। और यहाँ पर मैं नारियल पीते हुए इन्जॉय करते हुए नारियल को क्योंकि पानी बहुत अच्छा होता है नारियल का पीना चाहिए आपकी बॉडी हाइड्रेट रहती है। उसके बाद मलाई निकाल दो। हाँ ये वाला हाँ एक और थोड़ा ज़्यादा पानी वाला निकालो ना ये लो में। एक मिनट अभी आ रहे हो। मम्मी दो दो फेंक मम्मी दो दो फेंक दो। और तीनों ही नारियल में मलाई भी निकली और पानी भी निकला। बहुत इंजॉय किया हमने पिया अच्छे से। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कितनी मोटी वाली मलाई निकली है मतलब मोटी वाली गिरी निकली है और मैं इंजॉय कर रही हूँ खा रही हूँ मज़े से एंड मुझे बहुत पसंद है। चिकली ओए बेइज्जती हो जाएगी यार अजीता हो जाएगा। और मेरा बच्चा तो नींद में है सोया कब तू है गंदे बच्चे। चल नारियल पानी तो पी ले ऐसे सोते सोते। ये वाला निकाल के दे दूं ये नहीं पीना। ये देखो सोते सोते खा रहा है लड़का। ये तो नीचे आया था गली में तो मैं ले आई थी आपके लिए पानी भी पी के देखो जरा थोड़ा सा
अरे 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 पाइप ही गया, अरे पाइप मुंह में नहीं आ रहा है। कैसा लग रहा है आपको? यम्मी। सो गाइस नीचे नारियल वाला आया था गली में, हमने सोचा कि चलो थोड़ा थोड़ा ले लेते हूँ। पहले वो एक नारियल 50 रुपए का दे रहा था, बट मैंने 100 रुपए में 3 नारियल ले लिए। मतलब कितनी अच्छी बार्गेनिंग करती हूँ ना मैं, मम्मी से सीखा है मैंने अपनी। बाय द वे अभी मम्मी को भी मैं फेल कर देती हूँ बार्गेनिंग करने में, मैं बहुत अच्छी बार्गेनिंग करती हूँ। ये देखो ये भी बैठ गया खाने के लिए, इसको दिया है मैंने बट इसको खाना ही नहीं है। देखो इसका यहाँ पर मैंने रखा हुआ है, पर इसे अपना नहीं खाना, इसे हमारा खाना है, इतना ख़राब है ये। और ये देखो चीकू भी लपेटने में लगा पड़ा है, खा रहा है तपा तप। यो कैसा लग रहा है नारियल? अच्छा लग रहा है? अरे बाप रे, ये तो नारियल पी के फिर से सोने की बात कर रहा है। चलो कोई नहीं, इसको सोने देते हैं, हम अपना नारियल एंजॉय करते हैं। गाइस आप लोग देख रहे हो ना, ये देखो अकेले चीकू ने पूरा खा लिया, मतलब पूरा फिनिश कर दिया। ये देखो तीनों का तीनों चीकू खा गया, चीकू ने पूरा का पूरा कंप्लीट फिनिश कर दिया। और देखो खा के और लेट गया। उसके बाद मैंने देखा गली में कलर वाले और पिचकारी वाले भैया आए थे, बट हमें लेने नहीं थे। Oh my God, so many पिचकारियां, कलर अभी हमें लेने जाना है, बट अभी हमने लिए नहीं है, बाद में जाएंगे लेने के लिए, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। मार्केट टूर करेंगे बट आज नहीं, कल चलेंगे, ठीक है? तो वो आपको शायद आई गेस कल वाले ब्लॉग में देखने को मिले। तो कल जाएंगे हम पिचकारियां और कलर लेने के लिए। सो गाइज लेट मी शो यू द ब्यूटीफुल गार्डनिंग। सो ये मेरे हाउस की प्यारी प्यारी गार्डनिंग है। तो सबसे पहले ये क्यूट सा फूल आप देख सकते हो, कितना प्यारा लग रहा है ना। इसको कुछ बोलते तो हैं, गोल्डन का फ्लावर, पता नहीं किस चीज़ का। तो ये कितना प्यारा लग रहा है ना, कि समय बाद ये आया है फूल। और उसके बाद इसमें भी छोटी छोटी कली आ रही हैं। और बाय द वे ये कुछ इस तरीके का है, येलो रोज़ आप कह सकते हो, अगर किसी ने नहीं देखा है तो देख लो, ये येलो रोज़ है। उसके बाद मनी प्लांट, ये है नींबू वाला पेड़, और इसमें भी नींबू आ रहे हैं, कितने सारे नींबू आ रहे हैं आप देख रहे हो, छोटे 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 छोटे, एंड कुछ बड़े भी हैं। लेट मी शो यू, सी ये भी बड़ा नींबू है। तो आप लोगों को कैसी लगी हमारे घर की गार्डनिंग? तो मुझे तो बहुत मज़ा आता है गार्डनिंग करने में। प्यारे प्यारे फ्लावर्स भी आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि एक टाइम पे ऐसा हो गया था कि विंटर का टाइम चल रहा था और मेरे सारे फ्लावर्स सारे पौधे ना एकदम ऐसे मुरझा से गए थे, बट मम्मी ने बोला वेट करो कुछ टाइम बाद इनका भी मौसम आएगा तब ये ठीक हो जाएंगे। तो फाइनली ठीक हो गया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी मैं जा रही हूँ नहाने, नहा लेती हूँ फिर मैं आपके पास आती हूँ। तो लेट्स डू क्विक ट्रांजेक्शन। सो मैं गाइस रेडी हो चुकी हूँ, मैं नहा ली हूँ और अब मैं जा रही हूँ थोड़ी देर के लिए लाइव इंस्टाग्राम एंड मौज पर। सो गाइस मैंने किया था अभी एक चैलेंज, ये मैं वीडियो शूट करी थी अपने यूट्यूब के लिए, तो आप लोग जाके चेक करना यूट्यूब पे जो मिनी शॉर्ट्स होते हैं उसमें मैं ये वीडियोस अपलोड करती हूँ, तो जाके जरूर चेक कर। तो गाइस ये देखो चीकू क्या खा रहा है, और ये पता नहीं क्या खा रहा है, बताना जरूर कमेंट सेक्शन में अगर आपको पता है कि ये क्या खा रहा है। देखो ये कुछ इस तरीके का छोटा छोटा सा टमाटर जैसा, बड़ा खट्टा खट्टा मीठा मीठा है, और नमक के साथ खा रहा है मजे लेके एकदम, और मुझे पूछ भी नहीं रहा है, कितना गंदा लड़का है। और इसको देखो ये कैसे बैठा हुआ है, पुच्ची कर दो। आहा, ये क्या कर रही है, गोला घिस रही है, गुंजिया बनाएगी, क्या बात है। चल जल्दी जल्दी घिस ले, मैं भी खा लूंगी, बना जल्दी 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 जल्दी, वेरी गुड, किसी ने तो काम शुरू किया गुंजिया बनाने का। एक मैं घिसूंगी और एक तू घिसेगी। कौन, किसने कहा? मैं नहीं घिसने वाली, मैं नहीं करने वाली, फोन कर और एक मैं सिर्फ गुंजिया खाऊंगी। अच्छा। खाने का काम करूंगी। हाँ, अभी कोई नहीं, मैं ड्राई फ्रूट्स कट कर दूंगी। नहीं कोई जरूरत नहीं, मैं बिलवा दूंगी, वो तो सब बिलवाएंगे, सब बनवाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। तुम लोग ऐसे भी गायब हो जाते हो ऑफिस वाले। तो 1 किलो खोया लेके आएंगे। खोया 1 किलो? 1 किलो खोया डालेगी, 10 किलो डाल ले, मजा ही आ जाएगा। गुंजिया खाए काट रहेगी, हमारे घर में गुंजिया बनने की तैयारी हो गई है, मतलब होली के त्योहार में गुंजिया ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। देखो मेरे बापू मिला क्यूट बच्चा, पिट पिट के सो गया है, अब ये उठेगा तब ये भी गुंजिया बनवाएगा। मैंने घिसा झूठ बोल रही है, मैंने घिसा एक, नहीं नहीं झूठ बोल रही है लड़की, एक मैंने घिसा है और एक ये घिस रही है। अब ये देखो इतना सारा घिस दिया है। हाँ बड़ा, ये मैंने घिसा है सारा, इतने में तो कुछ भी नहीं होगा, 4-5 नहीं, दो ही का है मम्मी ने, दो में क्या होगा, दो ही का है मम्मी ने, लग तो नहीं। 1 किलो खोया डालेगी इसमें, 2 सिर्फ गोले के अंदर, अभी बहुत बैटर डालेगा इसके अंदर, सिर्फ ये 2 गोले नहीं डालेंगे, बहुत एग रोल खाती है ना तू, बहुत जूस पीती है बहुत।
नजर लगा ले सारी, आज कसर निकाल दे सारी, जल्दी नहीं होता। मशीन ला अभी कर दू, एक मशीन में ही तो है, मिनट में मशीन तो है, ये मशीन है, इससे घिसना चल। गाइस क्या बोलते हैं इसको बता दो, गिया किस पागल, गिया घिसने वाला मतलब भाई अरे यार बेटा तू दान करना, घिसने वाला बोलते है। हाँ जल्दी घिस घिसने वाला से घिस रहे हैं हम। देखो इसको ये गोला घिस रही है, गुंजिया बनाने की तैयारी अब चल रही है ना, बोल मेरे हाथ में निकल गया, देखो देखो एक काम ढंग से नहीं कर सकती तो चोट लग गई, एक काम ढंग से नहीं कर सकती लड़की, मुझे ये नहीं पसंद इसीलिए, मुझे पता है इसमें मेरे ना लगी जाती है, और वही वजह कितना सारा 1 किलो खून निकल गया जितना मैंने, चल मिला मत देश के अंदर इसी को मिला के खिलाऊंगी, खून का बदला खून से, यार बहुत डर लग गई, देख कितना सारा खून निकल गया, देख चल अभी कुछ भी नहीं निकल रहा था और अब देख कितना ज्यादा निकल रहा है, ओ निकल गया यार मेरा तो खून। सो गाइज मैं बना रही थी गुंजिया बट अनफॉर्चुनेटली मेरे चोट लग गई, आप लोग देख सकते हो कितना ज्यादा वाला खून निकल रहा है, और मेरे को पता है ये घिसना बिल्कुल भी नहीं पसंद गोला वाला, मुझे ऐसा लगता है इसलिए मशीन होनी चाहिए, बाकी सब कुछ अच्छे से हो जाता है, बस मेरे साथ हमेशा यही होता है कि मैं जब भी वो गोला घिस रही होती हूँ ना हमेशा मेरा कटता है, और ये देखो अभी भी कट गया, इसलिए मैं गोला घिसना बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करती, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद सच्ची में। ट्रिकी देख मेरे को चोट लग गई बाबू, देख कितनी ज़्यादा चोट लग गई, देखो इतनी सी चोट नहीं है ये, बहुत ज़्यादा बड़ी वाली चोट है ये देखो, मिल जाए अभी कुछ कह नहीं सकते, आराम से चल रहे, दुकान बंद मिलेगी आगे वाली दुकान से मिलेगी, हाँ यही है, कितने का ये 75 जी सही है, ले ले रथ की पैकेट लाइए, बस दो रथ में हो जाएगा और क्या, मतलब बाजार कितना मस्त सजा रखा है, ओ माय गॉड हर तरफ पिचकारी पिचकारी, कहाँ इधर देखो पिचकारी, कितनी सारी पिचकारी है, पिचकारियां कलर, आपने चावल मुझे ये वाला चावल सबसे बढ़िया लगता है, एकदम तिनका वाला मस्त लगता है, बाकी और कुछ नहीं, बाकी ये बड़े वाले चावल लेती है पता नहीं क्यों, मेरे को तो तिनका वाला चावल अच्छा लगता है, इसको देखो वाह क्या आया क्या आया क्या आया, पापा लाए हमारे लिए डोसा एंड प्लस ये क्या है, देखो ट्रिकी मेरे से पहले उतावला हो रहा है, चले पीछे हो जा नहीं मार के पकड़ के, हमको मिली गुंजिया, ये देखो ये कैसे लपलप आ रहा है, नहीं मिलेगी आपको गुंजिया ट्रिकी, नहीं मिलेगी आपको, मिलेगी कटप्पा को, ये हमारी बारी आ गई गुंजिया टेस्ट करने की, तो पहले गुंजिया टेस्ट करके देखते हैं, यम्मी एकदम मस्त बिंदास, हैप्पी होली सभी को इन एडवांस, देखो गुंजिया आ भी गई और आज हम गुंजिया बनाएंगे भी, गुंजिया का सारा सामान हम बाहर से लिया है राशन वाली दुकान से, अभी क्या है ये मुझे कुछ बोलने नहीं देता, देखो इसको देखो अरे क्यों चढ़ जाता है मेरे ऊपर, तो पहले मैं गुंजिया खा लेती हूँ, थोड़ी देर में मिलती हूँ। सो गाइस ये रहा हमारा डोसा और ये रही चटनी जो नारियल वाली होती है और ये लाल वाली चटनी और ये हमारा सांभर, तो मैं इसको निकाल लेती हूँ फिर मैं आपको दिखा। सो गाइस ये रहा मेरा डोसा, गर्मा गर्म डोसा है और चटनी और ये रहा हमारा सांभर, तो चलो इसको एंजॉय करते हैं। मुझे डोसा बहुत पसंद है, यम्मी इट्स यम्मी, सच्ची में मैं भी तो खा रही हूँ, आप भी खा रहे हो गुंजिया, आपने खत्म भी कर दी, क्या हुआ खत्म भी कर दी था ने। सो गाइज फाइनली डोसा खा के मुझे डिनर तो हो गया है मेरा, अब डिनर मुझे करना नहीं है, रोटी वगैरह मुझे नहीं खानी है, तो मैं आ गई बाहर घूमने के लिए टहलने के लिए ताकि डाइजेशन अच्छा हो जाए, एंड यहाँ पे मैं घूम रही हूँ बाहर अपनी गैलरी में ही, और यहाँ होता है व्लॉग ओवर, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना।